माही दूध पिला दो ना, कब से रो रही है वो। बस भूख लगी है उसे। मैंने कहा ना मैं इसे दूध नहीं पिलाऊंगी। ऐसा क्या गुनाह कर दिया? सिर्फ एक बच्ची का डायपर ही तो बदली किया था। ऐसा क्या पाप कर दिया जो सबके सामने इंसल्ट कर, सबके सामने। माँ, माँ, क्या गुनाह कर दिया? ऐसा क्या गुनाह? माँ, बस शांत हो जाइए माँ। मैं जानती हूँ कि कोई गलती नहीं है। सिट्टू, तुझे तेरी माँ की जरा से भी इज्जत की परवाह है? तो मुझसे वादा कर, तू उस तरफ कभी नहीं जाएगी, उस बेटी को हाथ भी नहीं लगाएगी। माँ, भाई कैसी बातें करिए माँ, आपको तो पता है ताई जी गुस्से में कुछ भी बोल देती है, वो कुछ भी करती है। प्लीज ऐसा मत बोलिए। मेरे सर की कसम, अगर तू उस तरफ गई ना तो तू तेरी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी। अच्छा सिद्धू, उस तरफ कभी मत जाना। ठीक है, मैं एक को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। वादा है आपसे। कैसी बातें कर रही हो तुम? हा? माँ हो इसकी? अरे रो रहा है तुम्हारा बच्चा, तुम दूध नहीं पिलाओगी तो कौन पिलाएगा इसे दूध? इसका तो दिल पत्थर का हो गया। अपनी खुद की बच्ची अपने आंखों के सामने रो रही है, कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ले सौम्य, तू ही दूध पिला दे। हीर, शायद माता रानी की यही मर्जी रही है कि अधूरी होकर भी पूरी पत्नी का सुख तुझे ही मिले, और आज मां का सुख भी। मुझसे रहा नहीं गया इसलिए यहाँ कहने चली आई। सौम्या, जब इस घर में सब तेरे खिलाफ थे तब मैंने तेरा साथ दिया था, क्योंकि उस वक्त तू सही थी और सब गलत। पर आज, आज जो तूने चाची जी के साथ किया है वो एकदम गलत है। बहुत दिल दुखाया तूने सौम्या। अगर तुम सब यही चाहते हो कि कोई भी हीर के पास ना आए तो ठीक है, कोई नहीं आएगा उसके पास, छूंगी भी नहीं उसे मैं। बोल दिया, अब जाए यहां से। तुझे हो क्या गया है माँ? तू तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे तू हम सबको जानती नहीं है। औरों का छोड़ो, कम से कम मैं तो तेरी बेटी हूं ना, कि वो भी तू भूल चुकी है। चल ठीक है, अब जाए यहां से। हीर की वजह से आपके अपने नाराज हो रहे हैं, आपके रिश्ते टूट रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये घर बिखर जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसे किन्नरों की दुनिया में छोड़ आइए। नाराजगी आती जाती रहेगी, रिश्ते टूटते बनते रहेंगे, लेकिन हीर कहीं नहीं जाएगी।
वो यही रहेगी इसी घर में। पर आज तूने जो किया, हमारा जो साथ दिया, हमेशा ऐसे ही साथ देते रहना। मैंने वही किया जो आपने मुझे समझाया था। देख माही, ऐसे गाय बनकर रहेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कोई तेज बन, जब भी हीर पर कोई बात है तो किसी को मत छोड़ना। ऐसे जताना जैसे कोई भी अगर हीर को गोद में लेता है तो तुझे पसंद नहीं, चाहे वो रावी सिंधु कोई भी हो। पर मम्मी जी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया किसी के साथ, और वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं कैसे उनके मुंह पे मना कर दूं? जो सोचते हैं सोचने दे, अगर तुझे उनकी नजरों में गिरना पड़े ना तो गिर जाना, लेकिन तू करेगी वही जो मैं तुझे कह रही हूं। माही, जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है उतनी तकलीफ हमें भी हो रही है। मैं समझ सकती हूँ कि ईर का साथ देने के लिए तुम्हारे बाकी के रिश्ते और बाकियों का साथ छूट रहा है, लेकिन तुम मेरा यकीन मानो, रावी जीजी सिंधु, एक बार जब उन्हें हीर की सच्चाई पता चल जाएगी तो वो भी उसके साथ खड़ी रहेंगी, क्योंकि वक्त और हालात के साथ वो भी हीर के और करीब आ जाएंगी। इसलिए तुम फिक्र मत करो। वीरन, खाना बन गया। अपनी परजाई से पूछ लो कि कौन खाना खाएगा कौन नहीं खाएगा, कौन थाली में खाएगा और कौन हथेली पर। उनका बस चले तो हमसे वो भी करवा ले। प्रीतम, एक मिनट दो। प्रीतम, क्यों कर रही है? मैं क्या कर रही? प्लीज, अरमन के जान के बाद परिवार नु समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि सब एक हो के रहन और प्यार बढ़े। तू बिखारने की कोशिश कर रही है। तू ऐसा क्या कर दिया मैंने? अब बताएंगे ठीक से? गलती सोमे दी की सी। तेनू अरे नु पता, सारा परिवार देख रहा है। तू वीरन दी वोटिंग थप्पड़ मारता है? क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं। अपने बच्चे को खोने के बाद मुझे डर लगने लगा है तो मैं क्या करूं? हीर को लेकर मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, चाहे वो मेरी अपनी खुद की बेटी हो या भतीजी। और वीरन चन्नो, वीरन चन्नो ने पहले हरमन की जान लेने की कोशिश की, आप भूल गए? मैं नहीं भूल सकती, मैं क्यों करूं उन पर भरोसा? आप मुझ पर यकीन रखिए ना कि मैं जो करूंगी अपने परिवार के भलाई के लिए करूंगी। तो गलती अगर जो मैं हो गए, सौम्या ने आज तक इस परिवार के लिए, इस घर के लिए जितना कुछ किया है ना जी, उसके लिए अगर एक गलती में उसके साथ में खड़ी होगी, कौन सी बड़ी बात है? जो करना कर। हर बात पर बात बनाना, झूठी तसल्ली देना, इस तरह से बातें घुमाना, हीर के लिए कितना कुछ कर रही हैं आप? बहुत तकलीफ हो रही है ना आपको? हरमन के ना होने की तकलीफ से बड़ी और क्या तकलीफ हो सकती है? ये सब कुछ नहीं है, ये तो मेरे हरमन का अंश है। इसके लिए मैं कैसे पीछे हट सकती? मैं सारी हदें पार करने के लिए तैयार हूँ सोमे, और तू मेरे साथ है तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। थैंक यू जी, मैं अब चलती हूँ। सुन, कल से रोहन और सोहम को भी साथ ले आया कर, तेरे बिना वो दोनों वहां अकेले हो जाते होंगे। यहाँ रहेंगे परिवार के साथ, तेरी आंखों के सामने रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तुझे भी तसल्ली रहेगी और मुझे भी साथ ले आना। जी।
और मैं क्या मलिका तरनुम। सत श्रीकाल भाई भाई, कुछ लोग तो बड़े आसान फरामोश निकले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले। क्यों, क्या हुआ हरक जी? क्या हुआ हरक जी, जब आपकी ब्रदरी की कोई हमारे घर में थी जिसका नाम था सौमिया, तब तो तुहाडे दर्शन रोज होंदे सी। ए हुण पोती होई है, पोती तुहानूं ते सब खबर हुंदी है कि कित्थे वड़ गए हो, कोई दर्शन वर्शन नहीं। और नहीं आंदा पढ़ना तो दसना मैनू, बड़े आते सी हमारे तैशी बन के, हुण की होया ते छाती पे सांप लौट रहे। आप नहीं मानते वो अलग बात है हरक जी, लेकिन आपका परिवार हमेशा ही हमारे लिए खास रहा है। हमने हमेशा ही आपके परिवार की खुशियों के लिए दुआएं की, फिर भला हमारी छाती पे सांप क्यों लौटेंगे? अरे फिर देर किस बात की है, आओ दर्शन दियो, दवावां दियो, भांगड़ा पाओ, डांस करो, ते नेक लेके जाओ मोटे जी। जरूर आएंगे और मोटा नेग भी लेकर जाएंगे। ठीक है, आपके इंतजार में हरक सिंह, इन द हरक सिंह मेंशन। ठीक है जी, सत श्री अकाल। आप रवि बुआ और आप सिंधु बुआ हो ना? मामी ने मुझे आप दोनों के बारे में बताया। उन्होंने आपको मेरे बारे में नहीं बताया, मैं रोहन हूँ। क्या हुआ, आप मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो? मुझसे गुस्सा हो क्या? नहीं बेटा, हम आपसे गुस्सा नहीं है। पर क्या है ना, अगर हमने आपसे बात किया तो शायद आपकी मामी जरूर बुरा मान जाएगी। मामी? रोहन, जाने दे, मत बात कर इनसे। इन सबको है ना बहुत डांट पड़ी है, इसलिए मुंह सूजे हुए, मूड खराब है। तू जा खेल। रोहन, आप यहाँ आइए ना, यहाँ आकर मेरे पास बैठिए। क्यों, इतना बड़ा घर है, जहाँ खेलना है खेलने देना, तू जा खेल। आप शनो रानी और आप वीरन नाना हो ना? आह क्या बात है, मानना पड़ेगा। तेरी मामी ने तुझे पट्टी बड़ी अच्छी पढ़ाई है, लेकिन क्या है ना बेटा, मैं तेरी कोई नानी वानी नहीं है। और ये जो तू मस्केबाजी कर रहा है ना, इससे तेरी दाल यहाँ तो नहीं गलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। लगता है आप सबको डांट पड़ी है, सबका मूड खराब है। ओए तू ना, आप लोग रुकिए, मैं खोलता हूँ। आ गया। ये हमारे घर के अंदर कहां से आ गया है? निकालो इसको बाहर। ये उस विधान का खून है, इस घर में नहीं रह सकता। अरे जाने दीजिए ना जी, बच्चा है। इसको इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से निकालो। मैं कि क्या प्रीत, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि ये बच्चा है। मम्मी जी, हमें भी चलना चाहिए। अभी कभी लेके जाओ यहाँ से। चलो मोहन। क्यों मम्मी? मैंने कहा ना अभी चलो यहाँ से। चल बताओ। सॉरी नानू।
मुझे पता है आपके बेटे को मेरे मामा ने धक्का दिया। सॉरी नानू, हरमन से ही हीरो था, मेरा मामा विलन। मैं मामी को रोज बोलता था कि मुझे यहाँ पे ले आए, मैं सबको सॉरी बोलूंगा। नानू, अगर आपने मुझे अभी निकाला तो मामी मुझे आप फिर कभी नहीं लाएगी। मेरा वहां बिल्कुल मन नहीं लगता, मेरे मम्मी पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे आप लोगों के पास रहना। मैं मम्मी पापा की तरह आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। आपको जब भी मेरे मामा पे गुस्सा है आप मुझे डांट लेना, लेकिन मुझे ऐसे मत निकालना प्लीज नानू। मैं, सोहम और हीर, हम तीनों मिलके खेलेंगे, मैं उन दोनों की केयर करूंगा, आप मुझे ऐसे मत निकालना नानी प्लीज। एक बात मैं भी कहती जा रही हूं कि मौका मिलते ही मैं इस बच्ची को ले जाऊंगी, क्योंकि इस बच्ची को हमारे पास आना ही होगा। लीजिए हरक जी, आ गए हम आपकी पोती के जन्म की खुशियां मनाने। अब तो हम भाई नाचेंगे भी, गाएंगे भी, तालियां भी बजाएंगे और बहुत बड़ा नेक भी लेके जाएंगे। हाँ, नचो, पंगड़ा पाओ, चंगा नेग भी लाके जाओ। अलरी, नाचो। दादी जी वे तेरा, दादा जी वे, दादी जी वे तेरा, दादा जी। बच्ची के दादाजी हैं आप, आप भी तो नाच के आइए। हाय हाय हाय, ओ हीरिये,